हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल उल्टा खड़ी। और यहाँ पर आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है एम्स एमबीबीएस रिजल्ट 2018 का। एम्स एमबीबीएस रिजल्ट 2018 विल बी अनाउंस टुडे। चेक योर स्कोर एट एम्स एग्जाम्स डॉट ओ आर जी। सो गाइज, एम्स एमबीबीएस रिजल्ट 2018 आज डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। सो गाइस, रिजल्ट डिक्लेयर कर देने के बाद रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा उनका ऑफिशियल वेबसाइट एम्स एग्जाम डॉट ओ आर जी साइट पर। और एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स एग्जाम्स डॉट ओ आर जी, इनका लिंक आपको मिल जाएगा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इन वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उन लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद उनका जो ऑफिशियल होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, देन वहाँ पर वहाँ से जाके आप आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रिंट आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा के पूरा देखिए और आपका जो रिजल्ट है वो ईजिली चेक कर लीजिए। और एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर। सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। द एंट्रेंस एग्जाम वॉज कंडक्टेड ऑन 26 एंड 27 मई। द एम्स एमबीबीएस रिजल्ट 2018 विल बी रिलीज इन ऑनलाइन मोड ओनली। द रिजल्ट will be declared both rank wise and roll number wise. So guys, ये जो entrance exam है ये हुआ था 26 and 27 मई पर and AIIMS result जो है वो only online mode पर आप check कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपका जो रिजल्ट है वो rank wise और roll number wise declare कर दिया जाएगा। Okay guys, सो गाइज, अब देखते हैं कि किस तरह से आप आपका जो रिज़ल्ट है वो आज चेक कर पाए। चेक करने के लिए, रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। इनका ऑफिशियल वेबसाइट पहले भी बता चुकी हूँ, एम्स एग्जाम डॉट ओ आर जी। इनका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा इन वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर। देन वहाँ पर जाके आपको आपको रिज़ल्ट का एक लिंक मिलेगा 2018 AIIMS MBBS रिज़ल्ट करके। रिज़ल्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको रोल नंबर एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल जो भी है वो ठीक से डालना होगा। डालने के बाद वहाँ पर आपको सबमिट बटन पर बटन मिलेगा, उन सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। देन आपको तो पता है जल्दी से उसे चेक कर लेना है, डाउनलोड एंड प्रिंट आउट कर लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो गाइस, हम लोगों के तरफ से आपके लिए एक छोटा सा हेल्प। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ जाते जाते दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।